देश भर में अग्नि योजना के बाद से कई राज्यों में हिंसात्मक प्रदर्शन देखे गए। इस बीच सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भर्ती योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएंगी और सभी भर्तियां इसी स्कीम के तहत की जाएंगी। 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी ज्वाइन कर लेगा। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ के विरोध में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों ने छात्रों को भड़काकर प्रदर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथ पत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया, ना ही कोई तोड़फोड़ की। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं हो पाएगा। पुरी ने कहा कि युवा फिजिकल तैयार हों ताकि वह हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सके। सेना के अधिकारी ने कहा कि हमने इस योजना को लेकर हाल ही में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी तरह की आगजनी हिंसा में शामिल नहीं थे। पुरी ने जानकारी दी कि भर्ती में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी को एक एफिडेविट देना होगा कि उसने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया और कोई केस उसके खिलाफ दर्ज नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरी ने युवाओं से कहा कि जो भी युवा इधर उधर भटक रहे हैं वह अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि किसी के लिए भी फिजिकल टेस्ट पास करना उतना आसान नहीं होता। उनसे गुजारिश है कि वह अपना पूरा ध्यान अगले महीनों में होने वाले टेस्ट पर लगाएं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना चाहिए। सेना में युवाओं की आवश्यकता है, युवाओं में जोश और जज्बा होता है। अनिल पुरी ने कहा कि आज जवान को जो पे अलाउंस मिल रहे हैं अग्नि वीरों को उससे ज्यादा मिलेंगे। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। इट इज नो स्पेस, एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की, तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल, सबके दिमाग में ये आ रहा है 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, DPSUs हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस
मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड, नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूँ टू हुम सेवर इट मे कंसर्न, नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे, देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द फोर्थ बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसके पे काम चल रहा है. ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं. कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था, बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला, तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं, वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का, अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे. तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाया तो आपका ये जो यू नो लोन की चीज है ये थोड़ी और ऊपर चले जाएगी, उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा आगे. देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे. ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग. फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते. हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है. एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा. सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे. अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा उसको भी नहीं मिल रहा. सो इट इज इक्वेटेड, देर इज नो डिफ्रेंशिएशन. वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा. There is no difference. कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है. आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है. सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया. 4 से 5 साल में हमारी इंटेक 50,000 से 60,000 होगी, इसको ब्लैंक कर दे, 50,000 से 60,000 होगी. ओके, 50,000-60,000 के बाद क्या होगा, ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी. सो इट इज नॉट 46,000. ये हमने क्यों करा है, इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट मीडियम, क्यों, सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे, सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हूं. नाउ व्हाई 4 इयर्स, जो सब चीजों का मुद्दा है. 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया उसके अंदर चेंज क्यों करा गया, इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी. भर्ती क्यों बंद थी, बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाएं. प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.